हाई बिजब आरी वेरी वॉन्ग वेलकम टू दैनल दिस इज योर इंग्लिश आई होप यू गाइज फाइन तो आज हम करने वाले हैं द एनिमी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर पर मजा बहुत आने वाला है इस चैप्टर को लिखा है पर्ल एस बक ने तो जल्दी से पर्ल एस बक ओपी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में ताकि से आप यू नो याद रख पाए इन्हें और अपने आंसर्स के अंदर भी मेंशन कर पाए आपको बता देती हूँ कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर एक बहुत ही कमाल के डॉक्टर के बारे में होने वाला है आज हम देखने वाले हैं कि हमारे डॉक्टर सदाओ होकी जो कि इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट है उनको किस डेलिमा का सामना करना पड़ता है किस उलझन का किस दुविधा का सामना करना पड़ता है और वो उस दुविधा से कैसे निकलते हैं तो चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस सेशन को चैप्टर की शुरुआत होती है जब हमें बताया जाता है कि सदाओ का घर जो है वो जापानी कोस्ट पे बना हुआ है जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे और वहीं पर उन्होंने यू नो पाइंस पे चढ़ना भी सीखा था वो बाकी लोगों से देखकर सीखा करते थे जो कि कोकोनट उतारने के लिए पाइंस पर यूजुअली कोकोनट ट्रीज पर यूजली चढ़ा करते थे वहीं पर उनके फ़ादर उन्हें बहुत बार लेकर जाया जाया करते थे और हमेशा जब भी वो उन आइलैंड पे उन्हें लेकर जाते थे वो हमेशा उन आइलैंड को दिखाते वक्त पॉइंट आउट करते वक्त ये कहा करते थे दोज आइलैंड यॉन्ड दे आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर ऑफ जापान वो हमेशा कहते थे कि वो आइलैंड देख रहे हो वहाँ पर वो जापान का स्टेपिंग स्टोन है जापान के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा तदाव पूछा करता था कि आखिरकार हम वहां से चढ़ के कहाँ जाएंगे तो उसके पिताजी कहते थे भगवान जाने देखो फ्यूचर तो वो होता है जो हम बनाते हैं अब जैसा बनाए वैसा बन जाएगा ठीक है तो ये बिल्कुल सही बात उन्होंने यहाँ पर कह दी है देखो योंडर का मतलब होता है जब हम डिस्टेंस पे पॉइंट करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट बोलता है सदाओ सदाओ ने हमेशा इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखा इनफैक्ट ऐसे ही वो सारी बातें जो उनके पिता कहते थे उन्हें दिमाग में रखा करते थे उनके पिता बहुत ही सीरियस किस्म के इंसान थे ना कभी जोक करते थे ना कभी खेलते थे बट उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी ताकि वो सदाओ को एक काबिल डॉक्टर के रूप में देख सके ठीक है वो हमेशा से ये ये चाहते थे कि सदाओ की एजुकेशन में कोई भी कमी ना हो सदाओ को भी पता था कि उसके पिता के लिए सदाओ की एजुकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी वजह से उस उसने भी अग्री कर लिया जब उसके पापा ने उसे बाईस साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया था बाईस साल की उम्र में वो अमेरिका चला गया था ताकि इसे वो सब कुछ सीख ले मेडिसिन और सर्जरी के बारे में वो मेडिसिन और सर्जरी के सारे गुर सीख सके जब वो वापस आया तो वो तीस साल का था इससे पहले कि उसके पिता गुजर गए सदाओ ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छा सर्जन बन चुका था और बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट भी बन चुका था तो एक बहुत ही अच्छा सर्जन और एक बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट भी बन गया था अभी फिलहाल वो एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहा था जो वून यानी के घावों को पूरी तरीके से भर देगी आप सोचो इसी वजह से क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण डिस्कवरी होने वाली थी कि इसी वजह से सदाव को ट्रूप्स के साथ भी नहीं भेजा गया ये जो पूरा का पूरा चैप्टर सेट है ये वर्ल्ड वॉर के अंदर सेट है वर्ल्ड वॉर के अंदर सेट है जहां पर अमेरिका और जापान आमने सामने हैं अब उस वर्ल्ड वॉर के अंदर जब सारे के सारे लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और एज अ डॉक्टर सदाओ बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था डॉक्टर को ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया इसके लिए नहीं भेजा गया क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी पे काम कर रहा था जो लाखों लोगों की जान बचा सकती थी इसके साथ में एक और सेल्फिश रीजन था जिसकी वजह से जनरल नहीं चाहते थे कि सदाओ के साथ जाए और वो रीज़न ये था कि जनरल की तबीयत ठीक नहीं थी उन्हें कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी और जनरल बहुत ही ज्यादा सेल्फिश थे उनका मानना ये था कि अगर उन्हें कोई बचा सकता है तो वो है सदाव ठीक है इसीलिए वो चाहते थे कि सदाव जापान में ही रहे अब सदाओ प्रेजेंट टाइम में हमें लेकर आ गए हैं जब वो अपने घर के बाहर वारंडा के अंदर खड़े हुए हैं और खड़े होकर बस नज़ारे देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि किस तरीके से क्लाउज जो है वो ओशन से अब उठने लगे हैं किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अजीब सी गर्मी हो रही है जिसकी वजह से रात में एक अजीब सा फॉग आ जाता है ठीक है कोल्ड वेव्स की वजह से एक अजीब सा फॉग आ जाता है और हर जगह पूरी पूरे बीच को पूरी तरीके से घेर लेता है सदाव धीरे धीरे वहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि किस तरीके से वो जो फॉग है वो पूरे बीच को धीरे धीरे कवर कर रहा है अब वो उनके घर को भी कवर कर लेगा अब इसके बाद में वो सोच रहे हैं कि ये समय आ चुका है जब वो अपनी बीवी के पास चले जाए जिसका नाम है हाना और उसके साथ में अफकोर्स अपने दोनों बच्चों को भी वो जाकर मिले अब ऐसे में क्या होता है दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही हाना सामने आती है हाना जो है उसने खूबसूरत खूबसूरत सा कीमोनो पहना हुआ है और खूबसूरत सी ब्लू कलर की हावरी पहनी हुई है हावरी एक बड़ा सा कोट होता है एक बड़ा सा जैकेट होता है जो कि एकदम नीचे नील तक जाता है और नीचे जाता है तो यहाँ पे वो वो पहनकर वहां से निकल कर आती है और यू नो एकदम से एक फ्लैशबैक आ जाता है सदाओ को और उसे याद आता है कि कैसे वो हाना से मिले थे उन्हें याद आता है कि एक बार की बात है वो अमेरिका में थे और अमेरिका में उनके प्रोफेसर की हमेशा से ये आदत रही है कि वो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपने घर पर बुलाते थे और अपने घर पर बुलाकर उन्हें दावत दिया करते थे कोई भी उनके घर पे जाना पसंद नहीं करता था क्योंकि उनके घर में एक तो रूम्स बहुत ज़्यादा छोटे थे खाना बहुत बेकार था और उनकी बीवी बहुत ज़्यादा बोलती थी सदाओ भी इसीलिए नहीं जाना चाहते थे पर उस दिन वो बाई चांस चले गए और चले गए तो किस्मत से वहाँ पर हाना से मिल गए जब वो हाना से उस वक्त मिले तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर इस दुनिया में थोड़ा सा भी चांस होगा ना हाना के साथ शादी करने का हाना को प्रपोज करने का तो वो जरूर करेंगे वो हाना को प्यार करना चाहते थे वो लव एट फर्स्ट साइड था इसके बाद में उन्हें हमेशा से एक चीज याद रही है और वो याद रहे कि यार उनके पिताजी जो है वो हाना को एज अ बहु एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं अगर हाना बिल्कुल भी प्योर नहीं है अपने रेस में क्योंकि उनके पिता के अनुसार जापानीज रेस जो है वो सबसे टॉप की रेस हुआ करती थी उसके बाद में जब उन्हें पता चला कि हाना एक जापनीज है तो उसके बाद में उन्होंने उनसे शादी कर ली और अभी तक वो इतना ज्यादा उनके बीच में स्वागत पाक है कि लगभग दो बच्चों के यू नो माँ बाप होने के बावजूद इतने सारे सालों के सा, साले, सालों के साथ तक मैरिड होने के बावजूद वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है कि उन्होंने जल्दबाजी में अमेरिका में शादी नहीं करी उन्होंने पहले अपना स्कूल खत्म किया फिर वो जापान आए उसके बाद में उन्होंने अपने पिता से बात करी पिता से बात कर कर सारे जापानीज रीति रिवाजों से शादी करी है सो इसके लिए कहीं ना कहीं उनके अंदर ये ठहराव ये पेशेंस है अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश है और आना तो खास करके बहुत ज़्यादा खुश है जब वो अपनी आम को यू नो अपने अपने आप को सदाव की आम को होल्ड करके और उस पर रेस्ट करती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुशी बहुत ही खुश दिखती है इट वॉज़ एट दिस मोमेंट उन दोनों ने सोचा उन उन दोनों को मिस्ट से उन दोनों को कोहरे से कोई आता हुआ नज़र आया इस मिनट पे उन्हें लगा कि कोहरे से कोई निकल कर आ रहा है वो एक इंसान था एक आदमी था जो कि ऐसा लग रहा था कि ओशन से फेंका गया हो ठीक है कि ओशन की वेव ने उसे फेंक दिया हो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके सामने एक ब्रेकर आ गया है और वहां पर उसका पांव अड़ गया और इसीलिए वो वो गिर रहा है कुछ कुछ स्टेप्स तक कुछ तक टाइम स्टैगर किया कुछ टाइम तक लड़खड़ाया और फिर लड़खड़ा कर मुंह के बल गिर गया अब एकदम से फिर से कोरे ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया और हाना जोर से चिल्लाई हाना ने कहा वहां कौन है हा आना ने जैसे ये पूछा उसने सदाव की आम को ड्रॉप किया और फटाफट से उन्होंने देखा कि वो इंसान जो है वो इंसान फिर से दिखने लग रहा है और वो इंसान अपने हाथ और घुटनों की मदद से चल रहा है वो इंसान वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है अब वो मुंह के बल गिर चुका है और वहीं पर लेट गया है उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक मछुआरा है और इसी वजह से हो सकता है इस तूफान के अंदर उसकी बोट जो है वो बह गई हो और इसीलिए वो भी उसके साथ बह गया वो दोनों नीचे उतरते हैं और नीचे उतर कर फाइनली यू नो बीच पे सोच रहे होते हैं कि एक दो मील की दूरी पर यहाँ पर फिशिंग विलेजेस है और अफकोर्स ये जो कोस्ट है बहुत ही लोनली है इसके लिए लोनली है क्योंकि यहाँ पर रॉक्स है बहुत ज़्यादा रॉक्स है और ये इंसान जो यहाँ पर बहकर आया है ये भी बहुत ज़्यादा जख्मी होगा क्योंकि रॉक्स ने उसे पूरी तरीके से खुरेद दिया होगा उसके सारे जख्म जो है वो और ज़्यादा खुरद गए होंगे तो ऐसा उन्हें लगता है और ऐसा सोच के वो उसकी तरफ और ज़्यादा भागते हैं जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उन्होंने सोचा था उसके ज़ख्म जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से खुरद गए हैं क्योंकि उनमें से खून निकल रहा था बहुत ज़्यादा खून आ रहा था इतना खून के पूरी की पूरी जो सैंड है वो एकदम रेड हो चुकी थी जैसे ही सदाव ने उसे देखा सदाव को पता चल गया कि ये जख्मी है और इसी के लिए उसके अंदर का डॉक्टर निकल आया और उसने वहां पर सोचा कि चलो फटाफट से इसको बचाना है उसने उसकी फेस को सैंड से निकाला और उसकी ओल्ड कैप जैसे ही उसके सर से गई तो एकदम से हाना ने विस्पर किया हाना ने कहा वाइट मैन ये तो एक वाइट मैन है ठीक है उसको देखकर उन्होंने ये बोला इतने में सदाओं ने कहा हाँ हाँ ये वाइट मैन है और वो वाइट मैन था उसकी येलो कलर की दाढ़ी थी उसके बाल येलो थे ठीक है तो वो लग रहा था कि यार उसको काफी टाइम तक यू नो ग्रूमिंग नहीं मिली है एक वाइट इंसान है ठीक है समझ में आ गया था पर जो भी था वो कॉन्शियस नहीं था अनकॉन्शियस था और उस इंसान को बिल्कुल पता नहीं चलने वाला था कि सदाओ और हाना उसके लिए क्या कर रहे हैं अब इतने में सदाव जब ये सारी चीजों में सारी उलझनों में फंस गया था तो एकदम से सदाव को याद आया अरे अरे वूंढ वूंढ उसको एकदम से याद आ जाता है वो वूड उसको याद आ जाती है वो चोट जो कि इस इंसान को लगी हुई है वो फटाफट से अपनी एक्सपर्ट फिंगर से उस चोट को यू नो ढूंढने लग जाता है और जैसे ही वो एक एक टच करता है तो उसे वहां पर रियलाइज होता है कि खून तेजी से बह रहा है और तभी उसको रियलाइज होता है कि राइट साइड पे लोअर बैक पे इस इंसान को बहुत ही गहरा जख्म है और वो जख्म किस चीज का है गन का तो गन वुंड है यानी कि इसे गोली लगी है और इसका यू नो वो जो गन वून था उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया और अभी रॉक्स की वजह से सी में से इस तरीके से निकल कर आने की वजह से वो वूंड जो है वो और ज्यादा खुल गया है उसमें से ज्यादा खून अब निकलने आ गया है निकलने लग गया है सो so, ऐसा उसको लगा उसका अंदाजा एकदम सही था वो बहुत ही ज्यादा खून से लथपथ था बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था अब इतने में पूरी तरीके से उन्हें कोहरे ने घेर लिया था पूरा पूरा अः बीच इस तरीके से कोहरे में कवर्ड था कि नजर ही नहीं आ रहा था कि वहाँ कौन बैठा हुआ है और इस टाइम तक तो कोई वहाँ पर आता जाता भी नहीं है जितने भी फिशरमैन हैं वो अपने अपने घर चले गए हैं सारे बीच कॉम्बर्स जो बीच की सफाई वगैरह करते हैं कचरा बीनते हैं सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे तो ऐसे में उनको देखने वाला यहाँ पर कोई नहीं था अब ऐसे में सदाओ ने सारी चीज़ों को विचारा सारी चीज़ों को सोचा और बोला यार आखिर इसके साथ हम करें तो करें क्या अभी उसके ट्रेन हैंड्स उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे वो अपना खुद का ही काम कर रहे थे उसके ट्रेन हैंड्स उसके वुंड को सही करने में लगे हुए थे और इसीलिए उसने पास से सी मॉस निकाला और यू नो सी मॉस उठाया और सी मॉस उसके उस वूड पर लगा दिया ताकि वो ब्लीडिंग को पैक कर सके और उसकी मदद से खून और ना बहे इसके बाद में उसने बोला कि यार अभी जो बेस्ट चीज हम कर सकते हैं अपने आप को आंसर करते हुए वो कहता है कि अभी जो अपन बेस्ट चीज कर सकते हैं वो ये है कि क्यों ना इसको उठाकर फिर से समुद्र में फेंक दिया जाए ठीक है अब क्योंकि ब्लीडिंग भी रुक गई थी तो उसने सोचा चलो मेरा काम एक बार को हो गया है और हाना ने कहा हाँ तुम सही कह रहे हो इसको उठाकर समुद्र में फेंकना ही सही होगा अगर हम हमारे घर के अंदर एक वाइट मैन को पनाह देंगे तो हम लोगों को आ, आ, यू नो आ, 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 ट्रेटर के जैसे माना जाएगा एंड इसके बाद में अगर मान लो इसको हम लोग एज अ प्रिजनर हैंड ओवर कर देंगे तो ये मर जाएगा समझ नहीं आ रहा कि इसका करना क्या है मतलब अगर इसे समुद्र में फेंक देते हैं तो ये वैसे मर जाएगा अगर इसे अपने घर के अंदर रखते हैं तो ये हमें जेल करवाएगा और इसको फिर उसके बाद में ठीक होने के बाद में अगर अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करते हैं तो वैसे भी वो एक गोली में इसको मार देंगे तो अभी एकदम बढ़िया चीज़ जो अभी हो सकती है इस सिचुएशन को देखकर वो ये है कि इसे उठाकर फिर से समुद्र में डाल दिया जाए कम से कम अपने आँखों के सामने इसको मरते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा बट ये सोचते सोचते उन दोनों में से किसी भी इंसान ने उसे उठाकर पुश करने की कोशिश नहीं की वो दोनों बस उस इनर्ट फिगर यानी कि उस बेहोश इंसान को देखे जा रहे थे कुछ तो ऐसा था हाना ने कहा कुछ तो ऐसा है जो इसको देख लग रहा है कि ये अमेरिकन है ऐसा लग रहा है खिंचाव महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसे फेंकना नहीं चाहती हूँ मैं इसे आ, आ, यू नो समुद्र में नहीं डालना चाहती हूँ फिर क्या फिर उसके बाद में उन्होंने उसकी टोपी उठाई और टोपी पर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो फेड हो रहे थे पर वो लेटर्स रीड करते थे यू एस नेवी यू एस नेवी हाना ने बिल्कुल सही पहचाना था ये इंसान एक अमेरिकन ही था ना तो सिर्फ एक अमेरिकन था अमेरिकन ऑफिसर था और इसके साथ साथ में ये प्रिजनर ऑफ भी था क्योंकि ये जरूर वॉर में साइड आ गोली मारी गई तैरता तैरता यहां तक या बहते बहते यहां तक पहुंच गया तो अब उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गई थी ऐसा लग रहा था कि यार अब तो ये इंसान जो है हमारा दुश्मन निकल चुका है तो अब तो इसे जरूर उठाकर अंदर फेंक देना ही चाहिए तो एकदम से उनके दिमाग में आया कि चलो भाई चलो अब इसको उठाकर सी में फेंक देते हैं तो इतने में यू नो एकदम सदाव जब हाना ये कहती है तो एकदम से सदाव बोलता है बोला अच्छा ठीक है अगर मान लो मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं उसको उठाकर समुद्र में फेंक सकता हूं तो क्या तेरे में इतनी हिम्मत है कि तू मेरे को ये करते हुए देख सकती है तू मेरी मदद कर सकती है हाना ने कहा नहीं मैं तो नहीं कर सकती अगर तुम अकेले कर लोगे तो ठीक है तुम अकेले उठाकर इसे समुद्र में फेंक दो सदाओ ने बोला देख यार बात यहाँ पर यह है कि अगर इस इंसान को चोट नहीं लगी होती ना तो मैं तुरंत या तो इसको उठाकर फेंक देता समुद्र में या फिर मैं इसे अथॉरिटी हैंड ओवर कर देता पर एज अ डॉक्टर मैं सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोच रहा हूँ और वो ये है कि इसे चोट लगी हुई है अब मैं ये देख करके इसे चोट लगी हुई है मैं इसे कैसे फेंक दू मैं इसे कैसे जाने दू? इस ये ये जख्मी है इसे मेरी जरूरत है एज अ डॉक्टर मैंने ओथ लिया है हर उस इंसान को बचाने का जिसे मैं बचा सकता हूँ अब ऐसे में हाना कहती है तो ठीक है भाई तुम भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते मैं भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकती तो बस एक ही चीज है जो हो सकती है और वो ये है कि इसे उठाकर अपने घर के अंदर ले जाया जाए अब इतने में सदाओं ने बोला कि यार चलो अपन तो उठाकर लेकर चले जाएंगे पर सर्वेंट्स का क्या हम सर्वेंट्स को क्या जवाब देंगे तो इतने में हाना ने कहा हम उसको उनको बता देंगे कि भाई हम इसका इलाज करके और इसको हैंड ओवर कर रहे हैं पुलिस को और वैसे भी हम यही तो करने वाले हैं ना अब हम लोग एक इंसान को अपने घर के अंदर ठीक होने से ज्यादा तो नहीं रखेंगे क्योंकि ये तो हम लोगों को खतरे में डाल देगा एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर के अंदर रखना सदाओं ने बोला हाँ ठीक है मैं खुद भी ऐसा ही सोच रहा था मैं क्यों इसको अपने घर के अंदर रखूंगा तो फाइनली अग्री करके दोनों ने उस इंसान को उठाया जो बहुत ही ज्यादा हल्का लग रहा था बहुत ही ज्यादा हल्का ऐसा लग रहा था बहुत टाइम तक इसे खाना नहीं मिला है फाइनली उसे उठाकर लेकर गए और एक एम बेडरूम के अंदर लेटा दिया बच्चों जिस एम बेडरूम की हम बात कर रहे हैं वो एम बेडरूम एक्चुअली फादर का हुआ करता था सदाओं के फादर का हुआ करता था और जब से उनकी डेथ हुई थी उसे कोई भी यूज नहीं कर रहा था अब फाइनली उस इंसान को वहां लिटा दिया गया और उस रूम के अंदर सारी चीज़ें एकदम जापनीज सीटों से अफकोर्स जमीन पर लिटाया गया था अब इसके बाद में हाना ने सोचा कि यार थोड़ा सा क्वल्ड्स वगैरह लेकर आ जाती हूँ थोड़ी आ, उड़ाने के लिए कुछ चद्दर वद्दर यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ ताकि इसे इसको उड़ा भी सकूँ बेचारा बड़ा ठंड में होगा बट वो इतना ज़्यादा डर्टी था कि उसने सोचा यार मेरी चादरें खराब हो जाएंगी तो पहली चीज़ जो करनी चाहिए वो ये है कि इसे साफ़ करना चाहिए ऐसा सदाओं ने सजेस्ट किया बट सदाओ को बिल्कुल भी हाना साफ नहीं करना देना चाहती थी इसीलिए हाना ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे मैं अभी जाकर सर्वेंट्स को बुलाती हूँ और वो कौन में से कोई ना कोई इसे साफ कर देगा अब देखो यार सर्वेंट्स को तो ऑफकोर्स बुलाना ही पड़ेगा बताना ही पड़ेगा तो सदाओ ने भी अग्री कर दिया और वो लोग सर्वेंट्स को बताने चले गए अच्छा अभी यहाँ तक कहीं ना कहीं ठीक है यहाँ कहीं ना कहीं इस दौरान इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रही है ठीक है यहाँ पर एक कॉन्वर्जेसन चल रही है और वो कॉन्वर्जेसन शुरू होती है जब वो इंसान एकदम अनकॉन्शियसली वहां पर लेटा हुआ होता है और बार बार सदा को ऐसा लग रहा होता है कि यार इसकी पल्स जा तो नहीं रही है जा तो नहीं रही है फिर उसे रियलाइज होता है कि नहीं नहीं ये फेंट हो रही है इसकी पल्स पर पूरी तरीके से नहीं जा रही है उसको लग रहा था कि नहीं अभी इसका दिल जिंदा है उसको ऐसा लग रहा था दोनों के बीच में दुविधा चल रही है उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि यार अगर इसका ऑपरेशन कर दिया गया तो भी हो सकता है कि ऑपरेशन को सरवाइव ही ना करे, हो सकता है कि ऑपरेशन को सरवाइव ना करे और ऑपरेशन से मर जाए अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बिना ऑपरेशन के मर जाएगा ऑपरेशन सरवाइव कर लेता है ऑपरेशन से अगर मरता नहीं है तो अगर हमने इसको ठीक करके अथॉरिटीज को दे दिया तो अथॉरिटीज एक गोली से मार देंगे तो कुछ भी कहो ऐसा लग रहा है जैसे कि इसका मरना तो तय है तो हाना एकदम से सोचती है बोलती है अरे नहीं 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 फिर तो मतलब इन दोनों के बीच में ये दुविधा चल रही है कि फिर इसको बचा के क्या करना अगर इसके लिए मौत ही लिखी हुई है तो फिर इसको बचा कर क्या करना क्यों इसे ऑपरेट करना है क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर जो है आ, उन दोनों के अंदर था इन, आ, कि यार अपने हाथों कहीं ना कहीं इस इंसान की जान ना चली जाए इस इंसान को जिसको हम बचाना चाहते हैं वो इंसान को हम खुद ही ना मार दें बट दोनों एक ही कॉन्क्लूजन पे पहुँचे कि हाँ ऑपरेशन तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा एनीवे anyway, कुछ ना कुछ तो इसके साथ करना पड़ेगा बट जो भी करना है सबसे पहले इसे धोना पड़ेगा इसे साफ़ करना पड़ेगा और इसीलिए अब दोनों निकल गए हैं सर्वेंट्स को बताने के लिए सबसे पहले सदाओं ने क्या किया सदाओ ने ओल्ड गार्डनर को बताया कि भाई हमारे घर के अंदर इस तरीके से एक इंसान है और उसका हम इलाज कर रहे हैं इधर जो हाना है वो युमी को बताती है युमी कौन है युमी हमारे घर में काम करने वाली एक यू नो आया है नानी है केयर टेकर है इन दोनों के बच्चों के तो युमी को जैसे ही पता चलता है ओल्ड गार्डनर को पता चलता है तो कुक को भी पता चल जाता है वो बहुत ही पुरानी कुक है सदाव के पिताजी के टाइम से वो यहाँ पर काम कर रही हैं तो तीनों सर्वेंट्स को फाइनली पता चल जाता है कि इन्होंने घर में एक एनिमी को लेकर आया है एक ऐसे इंसान को लेकर आया है जो कि अमेरिकन है और वो इंसान की इलाज ये लोग करने वाले हैं ठीक है तो अभी यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन हो चुकी है ये पूरा कंप्लीट हो गया एंड देन उसके बाद में देखो क्या हुआ अब ओल्ड गार्डनर जो है ओल्ड गार्डनर को जैसे ही ये पता चलता है और ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं जहां पे हाना ये भी बता देती है कि उसे युमी की मदद चाहिए होगी युमी को जाकर कुछ गर्म पानी और टाल्व्स लेकर आने हैं ताकि वो उस इंसान को पहुंच सके तो जब ये कॉन्वर्जेशन हो चुकी है तो उसके बाद में यू नो you know, वहाँ पर जो गार्डनर होता है गार्डनर कहता है कहता है यार अभी हमारे मास्टर को यानी सदाओ को इस इंसान को बचाना नहीं चाहिए इसके लिए नहीं बचाना चाहिए क्योंकि इस इंसान को सबसे पहले गोली ने मारने की कोशिश करी फिर इस इंसान को सीने मारने की कोशिश करी फिर इस इंसान को रोकने मारने की कोशिश करी अब नीयति के अंदर अगर इसका मरना तय है और सदाओ इसको बचा लेता है तो नियति बदला लेगी तो गन जो है जो यू नो सी है जो रॉक है वो सब सदाओ से बदला लेंगे अब यार हाना इतनी ज्यादा सुपरस्टिशियस तो नहीं थी हाना को इस बात पे यकीन तो नहीं था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई बदला लेने आ सकता है गन बदला लेने आ सकती है ऑल बट हाना को ये बात तो पता थी कि आज तक दुश्मन का भला करके किसका भला हुआ है तो ठीक है इससे कोई फायदा तो हमारा होने नहीं वाला नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है बट एनी anyway, उसने रिप्लाई किया बोला ठीक है मैं सदाओं को आपकी बात ज़रूर बता दूंगी अब इसके बाद में फाइनली वो लोग वो युमी को लेकर गई और युमी वहाँ पर गर्म पानी और कपड़ा लेकर आई ताकि से उस इंसान को साफ किया जा सके युमी ने जैसे उस इंसान को देखा तो युमि ने उस इंसान को साफ करने से मना कर दिया युमि ने कहा कि देखो मैंने अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी आदमी को साफ नहीं किया और इतने गंदे वाइट मैन को तो मैं बिल्कुल साफ नहीं करने वाली हूँ मैं इसको बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाली हूँ और जैसे ही उसने यहाँ पर मना किया तो एकदम से गुस्सा आ गया हाना को हाना के अंदर की मालकिन जाग उठी और उसने कहा तुम वो करोगी जो तुम्हें मालिक करने को कहते हैं समझ में आई बट यू नो युमी के चेहरे के ऊपर एक ऐसा लुक था कि जिसको देख कर हाना डर गई हाना को लगा यार अभी बाहर जाकर इसने कुछ कह दिया तो हम सब जेल में चले जाएंगे तो हाना उसे मनाने लग गई कि अरे नहीं नहीं मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि यार ये इंसान है करके और उसको बोला कि देखो हम लोग सिर्फ इसको यहाँ पर इसलिए लाए हैं ताकि इसे इसका इलाज हो सके और कुछ नहीं युमी ने बोला देखो मैं गरीब इंसान हूँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको लेकर आयो किस लिए लाओ क्या कर रहे हो मैं इसको साफ नहीं करूंगी तो हाना ने बोला ठीक है तुम जाओ, तुम जाओ जाके बेबी का ख्याल रखो अब इतने में उसके जाते ही हाना को गुस्सा आ गया और हाना ने कहा यार क्या औरत है ये एक आदमी को एक बेचारे एक एक, एक, एक यू नो एक जख्मी आदमी को साफ करने से मना कर रही है यूमी गुस्से में उसने बोला कौन है ये एक आदमी तो है एक वेड हेल्पलेस आदमी ऐसा उसने कहा और फिर वो उसे साफ़ करने लग गई ये दिखाने के लिए कि वो सुपीरियर है उसे यमि की कोई जरूरत नहीं है यमी के बिना भी उसका काम चल सकता है तो फाइनली वो उसे साफ करने लग गई जब उसे वो साफ कर रही थी तो वो उसकी चोटों को देख रही थी इनफैक्ट उसे देख रही थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि जब वो बच्चा रहा होगा तो बहुत ही ज्यादा गोरा रहा होगा क्योंकि उसकी चमड़ी ऐसी थी उसके बाल कुछ ऐसे ही थे बट ऐसा लग रहा था कि बेचारा जो है ये बेचारा इंसान जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सफ़र तो कर रहा है इसको पता है नहीं पता है पता नहीं पर ये सफ़र जरूर कर रहा है अब वो पूरा उसको क्लीन कर चुकी थी कर चुकी थी आगे से अब उसे पीछे से उसे क्लीन करना था पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे पीछे से क्लीन कर सके और इसीलिए वो वेट कर रही थी सदाव का वो एकदम से सोच ही रही थी कि वैर वह सदाव और इतने में सदाव एंट्री ले, ले लेता है और सदाव की एंट्री होती है फुल एकदम सर्जन कोट वोट पेन के बैग वैग लेकर और वो समझ जाती है कि यार अब तो जो है यू नो सदाओ ने ऑपरेशन करने का डिसाइड कर लिया है वो बताती है कि यार देखो बात ये है कि यूमी इसको साफ़ नहीं कर रही थी और इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं इसे साफ करूँगी ठीक है तो आ, आ, अभी मेरे को ये पीछे में पीछे से साफ़ करने में आपकी मदद चाहिए तो एकदम से उसने बोला कि मैं कर दूँगा कोई टेंशन नहीं है तो अब उसने इस टाइम पे जब वो उससे बात कर रहा है उसने एक बहुत ही साफ सुथरा सैनिटाइज टाल जो है वो जमीन पे रख दिया है ठीक है और वहाँ पर अपने सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए हैं जिन इंस्ट्रूमेंट से आज ये ऑपरेशन होना था फाइनली वो बोलता है कि जाओ जाकर टाल्स लेकर आओ और वो बेचारी एक अच्छी नर्स की तरह अच्छी वाइफ़ की तरह वहाँ पर उसकी मदद कर रही होती है ठीक है अब इतने में उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि यार यहाँ से निकलने वाला जो ब्लड है इसको साफ़ करने में जो ब्लड ब्लड निकलेगा उसकी वजह से कहीं फ्लोर पर लगी हुई मैटिंग खराब ना हो जाए इस वजह से वो भागती है बाहर की तरफ सोचती है कि यार थोड़ा सा कुछ आ, यू नो बाहर छोटे पेड़ पौधों को ढकने के लिए जिस मैटिंग का इस्तेमाल करता है गार्डनर उठाकर ले आती हूँ फटाफट से वो रख देती हूँ उसके नीचे बट उतने में ऑलरेडी मैट खराब हो चुका होता है बट कहीं ना कहीं सदाओ को इस बात से इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सदाओ को सिर्फ अभी अपने पेशेंट से मतलब है सदाव की बात सुनकर वो भी सिर्फ अपने मतलब यू नो आ, सिर्फ पेशेंट से मतलब रखती है वो बताती है कि युमी इसे साफ नहीं कर रही थी तो मैंने कर दिया अब आप भी इसको यहाँ से पीछे से साफ कर दो अब इतने में यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे उसको इतने अच्छे से सुन नहीं रहा था बट नो you know, हाना की आदत पड़ी हुई थी हाना को पता था कि सदाव जब काम करता था तो बहुत बार अपने काम में इतना ज्यादा डूब जाता था कि उसको यू नो अटेंड करने का टाइम ही नहीं मिलता था बट वो कहीं कही ना कहीं ऐसा सोच रहा था कि यार वो सोचती रहती थी कि यार सदाव के लिए कभी कभी वो इतना काम में डूब जाता है कि क्या सदाओं के लिए मैटर भी करता है कि वो किस बॉडी पे ऑपरेट कर रहा है ये कभी कभी उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि सदाओं के लिए मैटर ही नहीं करता है कि वो किस बॉडी पे ऑपरेट कर रहा है उसके लिए सारी बॉडीज एक जैसी है वो सब पे यू नो वैसे ही फुल डेडिकेशन से काम करना चाहता है एनी anyway, वे तो यहाँ पे सदा उसको देखता है उसकी बॉडी को देखता है एनालाइज करता है और कहता है कि भाई तुम्हें एनेस्थेटिक इसको देना पड़ेगा अगर इसे जरूरत पड़े तो इतने में हाना कहती है यार मैं पर मैंने तो जीवन के अंदर ऐसा नहीं किया बहुत ही आसान चीज़ है ऐसा सदा उसे बताता है अब वो वहाँ पर वो जो मॉस की पैकिंग उसने बीच पर करी थी उस पैकिंग को हटाता है जैसे उस मॉस को हटाता है खून जो है वो फ्रेशली वहाँ से निकलने लग जाता है उस खून को इस तरीके से बहते हुए देख हाना को बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा फ़ील होता है एंड फाइनली वो बाहर जाकर उल्टियाँ कर ही देती है इतना ज्यादा ब्लड होता है कि उस ब्लड को देख कर वो उल्टी कर देती है अब इसको देखकर अः बहुत मन करता है सदाओ का कि वो जाए हाना के पास में उसकी मदद करे क्योंकि उसको अभी जरूरत थी बट फिर भी वो उसकी तरफ नहीं जाता क्योंकि उसे उस, आ, आ, कम जरूरत है इस इंसान से इस इंसान को सदाओ की ज्यादा जरूरत थी ठीक है अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि अच्छा है अगर इसका पेट खाली हो जाएगा तो ऑपरेशन के अंदर ठीक ही रहेगा नहीं तो इतना सब कुछ देखकर वो वैसे भी उल्टी कर देगी अब इतने में आ, वो एकदम से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इमपेशन हो जाता है देखो यार अपनी वाइफ़ को इस सिचुएशन के अंदर देख कर अफकोर्स उसके अंदर यू एक बहुत ही इरीटेशन आ जाती है बहुत ही इरीटेबल वो हो जाता है उसे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर की इरीटेशन से कि यार मेरे हाथ में ये चाकू और मेरे चाकू के नीचे ये इंसान है और ये इंसान इस इंसान की वजह से हाना को उल्टियाँ हो रही है और मैं इस इंसान को बचा रहा हूँ समझ नहीं आ पा रहा कि इस इंसान को बचा क्यों रहा रहूँ मैं मार दे

हाना आकर पूछती है भाई एनेस्थेटिक कहाँ पर है एनेस्थेटिक दे देती हूँ तो इतने में सदाऊ बताता है कि एनेस्थेसिया वहाँ पे पड़ा हुआ है वहाँ से लेकर आ जाओ सदाव उसे इंस्ट्रक्ट भी करता है और उसी के अनुसार आ, हमारी हाना उसको फॉलो करके उसे एनेस्थेटिक दे देती है फाइनली सदाव यहाँ पर उस अमेरिकन के थोड़ा पास जाता है उस मतलब आ, 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 जो हमारी हाना है वो उस American के थोड़ा पास जाती है नस्तेजिया देने के लिए और वो देखती है कि यार ये इंसान को चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो ये सफ़र तो बहुत कर रहा है उसको यहाँ पर देखकर ऐसा भी लग रहा होता है मतलब उसको आ, आ, इस ऐसी हालत में देखकर ऐसा लग रहा होता है कि प्रिजनर्स को लेकर जो कहानियां लोग सुनाते हैं वो सच है या नहीं यार वॉर के टाइम पर इतनी सारी कहानियां हैं जो लोग सुनाते हैं कि भाई प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है उनको कैसे आग, यू नो हैंडल किया जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर्स को तो उसने जब देखा इस इंसान को तो उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहानियां कहीं ना कहीं सच्ची हैं क्योंकि आप सोचो ये इसकी ये हालत है ना जाने कितने और प्रिजनर्स की कैसी हालत होगी हाँ और पता नहीं मतलब इस बारे में वो समझ नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या उदास हो जाए वो इस बात पे खुश हो जाए कि उनकी आर्मी इतनी कैपेबल है कि प्रिजनर्स की ये हालत कर दिए इस बात पे वो उदास हो जाए कि ह्यूमैनिटी पे वार्ड में एक बैक सीट ले ले रही है वो जनरल के बारे में सोच रही होती है जनरल टाकमा के बारे में वो ये सोच रही होती है कि जनरल के बारे में जो हम इतना सुनते हैं कि वो अपनी बीवी को मारते हैं एक इंसान जो अपने अंदर दम रखने पर अपनी खुद की बीवी को मार सकता है तो वो इंसान तो इस इंसान का क्या नहीं कर देगा वो तो इस अमेरिकन को छोड़ेगा भी नहीं ऐसा वो सोच रही होती है वो बस ये आ, अंदर ही अंदर होप कर रही होती है कि काश भगवान इसने ज्यादा कुछ नहीं हो इस बेचारे ने ज्यादा कुछ टॉर्चर नहीं हो बट एनी इतने में उसे उसके गर्दन के ऊपर बहुत सारे स्कार्स देखने को मिलते हैं अभी यहाँ पर वो स्कार्स को सदाव को भी मेंशन करती है पर सदाव उसको आंसर नहीं करता क्योंकि सदाव इस टाइम पर पूरा फोकस कर रहा है उस बुलेट वुंड पर वो देखता है कि उसकी इंस्ट्रूमेंट की टिप जाकर किसी चीज के टकरा जाती है और समझ में आ जाता है कि जरूर यही गोली है अब वहाँ पर एक सबसे बड़ा ब्लॉकर ही आ जाता है कि ये गोली ऐसा लगता है जैसे कि किडनी के पास है अब किडनी के पास में ये गोली है तो वो एक मिनट के लिए रुक जाता है उसे अपने ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी याद आ जाते हैं और उन्हें याद आ जाता है कि कैसे प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हमेशा कहते थे कि जब तक तुम ह्यूमन बॉडी को इतने अच्छे से ना जान लो कि मानो जैसे कि ह्यूमन बॉडी को तुमने खुद बनाया है तब तक उस पर ऑपरेट करना एक पाप है एक पाप के समान है अगर तुम ह्यूमन बॉडी को इस तरीके से जान लेते हो कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी तुमने बनाई है एक एक सेल को तुमने रखा है और फिर तुम उस पर ऑपरेट करते हो तो ठीक है नहीं तो ऐसा करना पाप है और इसीलिए वो अपने फिंगर्स को लेकर एक एक एटम पे एकदम ऐसे यू नो इन्वेस्टिगेट करने लगा और इन्वेस्टिगेशन में उसे पता चला कि ये किडनी के पास तो नहीं है अपने पेशेंट से बात करते करते उसने कहा इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड आदत थी आदत थी सदाओ की अपने पेशेंट से बात करने की वो हमेशा अपने पेशेंट को माय फ्रेंड करके एड्रेस करता था पर आज आज तो ये माय फ्रेंड जो है ये एक्चुअली एक आयरनी बन चुकी थी क्योंकि वो जिस इंसान को ट्रीट कर रहा था वो तो एक एनिमी था वो एक दुश्मन था और सदाव उसको अपना दोस्त बोल रहा था बट सदाव के लिए ये सब मैटर नहीं करता सदाव ने फिर अपने क्लीनेस्ट सबसे प्रिसाइस इंस्ट्रक्शन के साथ में बुलेट को पकड़ के बाहर निकाल दिया वो इंसान थोड़ी देर ऐसे झटपट आया थोड़ा कर रहा आया बट और उसने कुछ इंग्लिश वर्ड्स भी कहे उस टाइम पर बट सदाव ने उन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया ठीक है उसने कहा गट्स दे गॉट माई गट्स सदाओ इन सारी चीजों को इतना मायने नहीं रख रहा था बेचारी हाना सोच रही थी कि इस इंसान के साथ में क्या ट्रीटमेंट हुआ होगा इस इंसान को कैसे ट्रीट किया होगा कि कह रहा दे गॉट माय गट्स ठीक है तो अभी यहां पर वो इंसान एकदम से फिर से फिर चुप हो गया इस चीज को सदाओ को इस चीज ने सदाओ को काफी अट्रैक्ट किया सदाओ ने देखा कि यार ये इंसान अभी अभी बोल रहा था और एकदम से अब इतना चुप हो गया मरवर तो नहीं गया तो उसने देखा उसको लगा कि नहीं नहीं अभी भी है पल्स है मतलब है बहुत ही नाजुक पल्स है पर है अभी भी वहां पर ठीक है उसे ऐसा लग रहा था कि यार ठीक है थोड़ी उम्मीद है अभी भी इसके बचने के अब मतलब अंदर से समझ नहीं आ रहा था ऑपरेशन कर लिया है थोड़ा इसके अंदर बचने की उम्मीद है बचाया जा सकता है पर इसको बचाऊ या नहीं बचाओ अरे सदाओ ऑपरेशन कर चुका था और अब क्या रास्ता इसे बचाओ या नहीं बचाओ फिर से उसने सोचा कि चलो नहीं अब इसे बचाऊंगा फटाफट से एक इंजेक्शन के अंदर एक दवाई जो है वो फिल की और वो इंजेक्शन उसको दे दिया जैसे ही इंजेक्शन उसे दिया तो थोड़ी बार उसकी पल्स जो है वो बार ऐसे यू नो झपकी बट देन थोड़े टाइम के अंदर उसकी पल्स जो है वो स्ट्रांग होने लग गए और वो इंसान फिर से हेल्दी हो गया जब ऐसा हुआ तो एकदम से सदाह ने कहा यार समझ नहीं आ रहा ये इंसान तो मुझे लगता है जीकर ही रहेगा मतलब ये इंसान को गोली लगी ये इसको कुछ नहीं हुआ ये सी में बहकर आ, आ, आ गया इसे कुछ नहीं हुआ है ठीक है इसके साथ में इसे रॉक्स ने खुरेद दिया कुछ नहीं हुआ इतना भयंकर ऑपरेशन इसका हो गया और उसकी यू नो पल्स जो है वो वापस आ गई है ऐसा लग रहा है जैसे ये तो जीकर ही रहेगा एनीवे anyway, इसके बाद वो इंसान जागा वो बहुत ही ज्यादा वीक था उसकी नीली आंखें बहुत ही टेरिफाइड थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इंसान जो है आ, मतलब वो कहाँ पर है कौन लोग हैं जो कि उसको लेकर आए हैं एनीवे anyway, तो इसके बाद में हाना ने उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया इसके लिए ध्यान रखना शुरू कर दिया क्योंकि सर्वेंट्स उसके रूम में एंटर तक आतक करने से मना कर रहे थे वो आई आकर उसे बताने लगी कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है हमने तुम्हें बचाया है जैसे ही पता चलता है प्रिजनर ऑफ़ वॉर को कि इसे इंग्लिश आती है तो वो भी उसके साथ कॉन्वर्स करने लग जाता है आना उसे बताती है कि वो काफ़ी टाइम तक अमेरिका में रही हुई है और इसीलिए उसने अमेरिकन लैंग्वेज जिनमें एक इंग्लिश है सीख ली है ठीक है अब वो आराम से उसे एक बच्चे की तरफ फीड करने लग गई उसे उसे खाना खिलाती उसे सूप पिलाती और जैसे एक बच्चे को कहते हैं ना बस एक चम्मच चम और एक चम्मच और एकदम स्ट्रांग हो जाओगे एक्जैक्टली वैसे ही उसी टोन में वो बात करने लगती तीन दिन गुजर गए थर्ड डे पे दो दिन गुजर गए थर्ड डे पर जब सदाव आया उसने देखा कि वो इंसान बैठा हुआ था उसके उसके चेहरे से खून एकदम से जा रहा था तो इसे देखकर सदाव उस पर चिल्लाया और बोला लेट जाओ किसने कहा तुम्हें बैठने के लिए मारे जाओगे इस तरीके से हाँ मरना है क्या तुम्हें तो उसको एकदम आराम से लेटा दिया अब इतने में जब उसने उससे इस तरीके से बात की तो वो सदाव को देखने लग गया और देखते देखते सोच में पड़ गया कि ये इंसान मेरे साथ क्या करेगा और पूछ ही लिया उसने वट आर यू गोइंग टू डू मी तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो अभी ये सवाल पूछते हुए वो सत्रह साल का लग रहा था उस सत्रह साल का छोटा बच्चा नहीं होता जो कि जिसको कुछ पता नहीं है क्या बोलना है कब बोलना है किसके सामने बोलना है नहीं बोलना है एकदम वैसा ही लग रहा था सत्रह साल का छोटा बच्चा सदाओ कहता है सदाओ को तो खुद नहीं पता था आ, कि वो क्या करे तो सदाओ कहता है मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ में क्या करूँगा बट ये जरूर तय है कि मेरे को तुम्हें पुलिस को देना है क्योंकि तुम एक प्रिजनर ऑफ वॉर हो अब जैसे ही वो ये बात कहता है तो इतने में ऐसा लगता है जैसे कि वो वाइट मैन कुछ कहना चाहता है और सदाओ उसे रोक देता है ना ना ना, ना मुझे मत बत बताओ मेरे को जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम खुद ना पूछू ना अपना नाम आ तक मत बताना तो सदाव यहाँ पर एकदम सख्त हो जाता है और उसे सख्ती से बात करता है एक मोमेंट के लिए वो एक दूसरे को देखते हैं और इतने में व्हाइट मैन कहता है ओके नहीं बताऊंगा और इतने में सदाव वहां से निकल आता है ना उसका इंतज़ार दरवाज़े पे कर रही होती है ये बताने के लिए कि कितना गंदा इम्प्रेशन जो है यू नो सर्वेंट्स पे उन लोगों का पड़ रहा है वो बताती है कि युमी उसे आकर बता रही थी कि सर्वेंट्स का ये मानना है कि हम लोग अमेरिका में इतने टाइम तक रहे हैं कि हम लोगों को अमेरिकनस को लेकर एक हमदर्दी जाग उठी है हम लोग अमेरिकनस को लेकर काफ़ी ज़्यादा यू नो झुक चुके हैं उनकी तरफ इंक्लाइंट हो चुके हैं

उन्होंने बोला तो ठीक है कोई बात नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन्हें समझ में नहीं आती है बट सर्वेंट्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे सर्वेंट्स अब उन दोनों को बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहे थे और देख रहे थे कि आखिर ये दोनों अब इस इंसान के साथ क्या करेंगे क्योंकि ऑपरेशन तो इसका हो गया अब अब तीनों सर्वेंट्स मिलकर एक दूसरे के साथ में बात करते हैं और जान बुझ के जोर जोर से बात करते हैं ताकि से वो हाना को भी सुना सके वो बात करते हैं कि किस तरीके से सदाव के अंदर घमंड आ चुका है उसकी स्किल का क्योंकि सदाव किसी को भी बचा सकता है तो वो किसी को भी बचाने लग गया है हाँ क्या उसको ये समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान को बचाने से इस इंसान को घर में रखने से वो एक ट्रेटर कहलाया जा सकता है और इसके साथ में उसकी पूरी फैमिली सफर कर सकती है बच्चे सफर कर सकते हैं ऐसा फिर युमी ने कहा बोला कि एक ऐसे इंसान को जो मरने के कगार पर था जो इंसान बस मर ही जाता उस इंसान को बचाकर कौन ट्रॉफी दे देगा भाई सदाव को सदाव को तो यहाँ पर ट्रेटर बुलाया जाएगा ठीक है तो वो दोनों तीनों ये एक आ, एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं युमी भी यहाँ पर बात कर रही होती है कहती है यार आ, ऐसे बाप के बच्चे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा जिनके पापा को लोग ट्रेटर कहेंगे देशद्रोही कहेंगे वो एक भी चीज हाना से छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं वो जोर जोर से चिल्लाकर बात करते हैं ताकि हाना सुने और हाना को खुद को पता है कि वो इसीलिए जोर से बात कर रहे हैं ताकि हाना तक ये बात पहुंचे हाना समझ चुकी है और हाना उनके साथ अग्री भी करती है अरे यार एक प्रिजनर ऑफ वॉर को अपने घर में लेकर आकर उसको घर में पना देकर आप एक्चुअली क्या ही कर दोगे और क्या ही आप कर सकते हो आपको क्या ही उससे मिल जाएगा ठीक है तो इसके लिए कहीं कही ना कहीं वो भी अग्री करती है कि जरूर इसके कॉन्सिक्वें अच्छे तो नहीं होंगे anyway, तो यहां पर फिर से वो जाती है उस इंसान की सेवा करने के लिए आज वो आ, आ, हमारी हाना को अपना नाम बताता है कहता है मेरा नाम टॉम है अब इसके बाद में वो वहां से चल के आ जाती है सदाव हर दिन जाता है हर दिन जाकर उस जख्म को देखता है और उस जख्म को देखकर वापस आ जाता है अच्छा अब इसके बाद में उसे लगता है कि बस अब तो लास्ट स्टिचेस जो है इस सुबह उतर ही गए हैं और ये इंसान पंद्रह दिन के अंदर एकदम वैसा चंगा हो जाएगा जैसा कि ये था ठीक है इस मोमेंट पे सदाव जाता है अपने ऑफिस पे और ऑफिस में जाकर एक पेज पर चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है ये चिट्ठी वो चीफ ऑफ पुलिस को लिखना चाहता है ताकि उन्हें वो पूरा मैटर अच्छे से बता सके उन्हें बता सके कि ट्वेंटी फर्स्ट डे ऑफ फेबर मतलब ट्वेंटी फर्स्ट फेब्ररी को उनके अः यू नो सामने एक इंसान इस तरीके से बहकर आ गया था uh, इतना जब वो लिखता है तो इतने में वो थक जाता है इतने में वो आगे नहीं लिख पाता है और वो एकदम से उसको बांध के लॉकर के अंदर डाल देता है दैट्स इट इससे ज्यादा वो नहीं लिखता है ठीक है अब इसके बाद में क्या हो गया है सातवां दिन आ चुका है सात दिन हो चुके हैं ऑपरेशन को सातवें दिन पे हम एंटर कर चुके हैं अब सातवें दिन पर दो चीजें होती हैं दो चीजें जो कहानी में ट्विस्ट लेकर आएंगी सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सर्वेंट्स सारे मिलकर अपनी अपनी पोटली बनाकर घर छोड़कर चले जाते हैं सर्वेंट्स का ये मानना है कि इस घर में या तो अब वो रहेंगे या फिर वो इंसान रहेगा क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि वो इंसान जिसका ऑपरेशन हो चुका है उस इंसान को अभी तक पुलिस को हांड क्यों नहीं किया जा रहा तो सर्वेंट्स इस तरीके से सोच कर बेचारे रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और हाना एक बहुत ही अच्छी मालकिन के रूप के अंदर उनको उनकी तनख्वाह देती है उन्हें सैलरी देती है एंड ऑफ कोर्स उनको थैंक यू बोल देती है और उन्हें विदा कर देती है युमी जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा अटैच है वो कहती है अगर बच्चे रोएंगे तो प्लीज़ मेरे लिए बुलावा भेज देना मैं आ जाऊँगी आपको पता है कि मैं पास में ही रहती हूँ बस वहीं से आके और मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगी आ, हाना को एक बात तो क्लियर थी कि वो युमी को तो बिल्कुल नहीं बुलाने वाली है अब अब कुछ भी हो जाए वो खुद ही अपने बच्चों का ध्यान रखेगी ये सर्वेंट्स उन्हें ऐसे टाइम पर छोड़ कर गए थे ये बात हाना के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से छुप छप चुकी थी एनीवे anyway, वे तो अब इसके बाद में फाइनली दोनों आ, तीनों सर्वेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और हाना को सारा काम करना पड़ता है हाना खुद ब्रेकफास्ट बनाती है हाना खुद बच्चों का ध्यान रखती है तो सारा काम हाना खुद करती है और अफकोर्स यहाँ पर सदाव भी उसकी मदद कर रहा होता है ठीक है तो अभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में आ, इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेसन होती है और वो कॉन्वर्जेसन में हाना उससे एक बहुत ही सेंसिबल सवाल पूछती है वो पूछती है कि ऐसा क्या है जो हम दोनों नहीं देख पा रहे हैं पर सर्वेंट्स देख पा रहे हैं सर्वेंट्स छोड़कर छोड़कर चले चले गए गए हैं हैं हमारा घर घर क्योंकि इस के अंदर वो इंसान रहता है और हम हम ऑन अदर हैंड सब कुछ लुटाते जा रहे हैं सब कुछ खत्म करते जा रहे हैं पर हमें दिख नहीं पा रहा है सर्वेंट से ज्यादा क्लियरली नहीं दिख पा रहे है क्या हो रहा है हम बाकी जापानीज से अलग क्यों है सदाव तो इतने में सदाओ इस बात का आंसर नहीं करता है एंड इन फैक्ट वो चला जाता है आ, उस आ, प्रिजनर ऑफ वॉर के रूम में और जाकर उससे कहता है कि आज तुम अपने पाव पर खड़े हो सकते हो पर आज केवल पाँच मिनट के लिए ही खड़े रहना कल हम दस मिनट के लिए ट्राई करेंगे मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ तो सदाव चाहता था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए ताकि इसे वो उस इंसान को सौंप सके अथॉरिटीज uh, you know, को कहीं कही ना कहीं वो इंसान बेचारा प्रिजनर ऑफ वॉर भी डर जाता है वो कहता है भाई आज तो डॉक्टर साहब बड़े ही यू नो गुस्से में आए हुए हैं और वो ओके कहता है और उसके बाद में थोड़ा उसका गुस्सा शांत होते हुए देखता है तो कहता है आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ मेरे को ऐसा लगता है मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जिंदगी बचा ली है अभी यहाँ पे सदाव फिर से एकदम उसके सामने शक्ति दिखाकर कहता है इतना जल्दी मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है एंड देन इसके बाद में कहीं ना कहीं उसे लग रहा होता है कि यार इस इंसान के साथ हुआ तो बहुत बुरा है इसके गर्दन पर भी इतने ज्यादा जख्म हो रखे हैं सदाव उससे पूछना चाहता है पर पूछता नहीं है कहता नहीं मेरे को जानना ही नहीं है इसकी बैक स्टोरी ये कहाँ से आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है अब इतने में दोपहर हो जाती है और दोपहर में दूसरी चीज़ होती है खाना अपने ख्यालों में खोई हुई होती है सोच रही होती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है किचन में खड़ी खड़ी काम करती करती और इतने में सामने से उसे यूनिफॉर्म में आता हुआ एक मैसेजर दिखता है उसे ऐसा लगता है कि जरूर सर्वेंट्स ने बाहर जाकर ये बता दिया है कि सदाव ने अपने घर के अंदर एक प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा हुआ है और इसीलिए अब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई है वो सदाव की तरफ भागती है पर वो इंसान जो है वो मैसेंजर जो है वो हाना के पीछे पीछे आ जाता है सदाव अपने ऑफिस में बैठकर आराम से खिड़की खोलकर जो कि गार्डन में खुलती थी आ, किताब पढ़ रहा होता है और इतने में जैसे वो इंसान वहां पर पहुंचता है तो वो पूछता है वॉट इज इट क्या हो गया क्या मैटर है तो वो इंसान अफकोर्स खड़े होकर पूछता है क्योंकि वो इंसान यूनिफॉर्म में होता है तो वो इंसान कहता है कि आपको पैलेस में बुलाया है जनरल की तबीयत ठीक नहीं है और आपकी मदद चाहिए होगी ये सुनते ही तो हाना के जान में जान आ जाती है हाना कहती है ओह हाना कहती है थैंक गॉड इज दैट ऑल बस इतना ही है तो एकदम से वो कहता है भाई इज दैट ऑल क्या मतलब मारना वारना चाहते थे क्या आप जनरल को और क्या हो? और क्या चाहिए तो ऐसा वो सोचता है हाना कहती है एम सो सॉरी नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था हाना बाद में सदाओ को भी एक्सप्लेन करती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं इस वजह से मैंने ऐसे बोला बाकी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था एनी वे यहाँ पे आ, वो बहुत ही ज़्यादा थक चुकी होती है क्योंकि उसे इतना ज़्यादा डर लग रहा होता है टेंशन से ज़्यादा थकान होती है काम की बजाय एनी वे सदाव उसको थोड़ा अच्छा फील कराने के लिए उसे थोड़ा रिलीफ देने के लिए कहता है कि कुछ भी हो जाए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं इस इंसान से छुटकारा पाकर रहूंगा हा ना देख रही हो ना मुझे मैं इस इंसान से तुम्हारे लिए छुटकारा पाकर रहूंगा ठीक है ये प्रॉमिस करता है और वहां से चला जाता है जनरल को देखने के लिए अब वो जनरल के पास गया है और जनरल के पास जाकर उसने सारी बातें बता दी है उसने बता दिया है कि कैसे अमेरिकन उसके घर के सामने आया था वो उस इंसान को सिर्फ थोड़ा बहुत बचाने की इतना हालत में लाने की कोशिश कर रहा था कि उसे अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया जाए बट वो इंसान तो बहुत ही सक्सेसफुली ऑपरेट ही हो गया वो इंसान तो जिंदा है आप क्या करें आप समझते हो ना ऐसा वो कहता है तो जनरल कहता है ऑफकोर्स बिल्कुल समझता हूँ जनरल कहता है भाई मैंने प्रिंसटन से डिग्री कर रखी है जापानीज में जा बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रिंसटन से डिग्री कर रखी है मैंने कर रखी है और इसीलिए मैं समझता हूं कि तुम तो मुझे क्या कहना चाहते हो I'm sorry. Oh, yeah. तो सदाव एक्सप्लेन करता है सदाव कहता है देखो सर मेरे को उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है बट मैंने इतनी सक्सेस से उसका ऑपरेशन कर दिया मैं करूं तो करूं क्या जनरल कहता है हा हा समझ गया देख आज जो तूने मुझे ये कहानी सुनाई है ना इसकी वजह से तो तू मेरे लिए और ज्यादा इंडिस्पेंसिबल हो गया है। इंडिस्पेंसिबल बोले तो जिसका कोई जवाब ही नहीं है अरे तू तो ला जवाब हो चुका है तू मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दे सकता क्योंकि तू इतना स्किल्ड है कि तूने एक ऐसे इंसान की जान बचा दी है जो कि बुलेट से मरने वाला था जो सी से मरने वाला था जो रॉक से मरने वाला था ऑपरेशन तुमने इतना सक्सेसफुल कर दिया है भाई तू ना तू मेरे साथ रहेगा अब मुझे ये बता कि मैं इतने ऐसे अटैक्स तो तो मुझे ऑपरेट तो करेगा तो इतने में कहीं ना कहीं नो you know, सदाओ ने बोला बोला अरे सर पर यू नो इट्स लाइक वो सोच में पड़ गया पहले जनरल थोड़ी देर कहता यार देख मैं तेरे को कैसे कुछ होने दो मान ले मेरे मेरा ऑपरेशन होना है और उसी दिन तेरी फांसी होनी है या मान तेरी फांसी हो गई और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ फिर कहाँ से लाऊंगा मैं तुझे कहाँ से लाऊंगा इतना काबिल डॉक्टर तो इतने में सदाओ बेचारा थोड़ा जेनरस होकर कहता है सर दुनिया के अंदर और भी सर्जनस है कोई बात नहीं अगर आप मेरे को फांसी पे लगा दो आप कर लेना और किसी से सर्जरी करा लेना

बोला कि यार देखो मुझे ऐसा लगता है कि आ, यू नो अभी इस पूरे प्रॉब्लम से तुम्हें बचाने के लिए आ, जिस प्रॉब्लम में तुम पता नहीं क्यों फंस गए हो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम्हारे ही सामने वो इंसान आकर आ, यू नो बहकर आ गया नहीं तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती बट क्योंकि अब तुम इस प्रॉब्लम में फंस गए हो एक एक बहुत ही अच्छा ख्याल मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस इंसान को चुपचाप मार दिया जाए क्यों ना इस इंसान को चुपचाप मार दिया जाए नहीं तो तुम नहीं तुम मत मारो कोई और भाई मेरे खुद के प्राइवेट असासन हैं ठीक है थीके? मेरे पास खुद ऐसे गुंडे हैं जो कि ए मार खार का काम करते रहते हैं तो क्यों ना मैं आम, दो असासन को तुम्हारे पास में भेज दूँ आज रात चलो आज रात भी नहीं किसी भी रात तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए किसी भी रात में तुम्हारे घर पर उन्हें भेज दूँ ठीक है और अभी तो तुम्हें पता ही है थोड़ी सी गर्मी हो रखी है तो थोड़ा सा तुम मान लो उस इंसान के खिड़की दरवाजे खुले छोड़ो मेरे असासन अंदर चले जाए ठीक है और मेरे अंदर चले जाएं और जाकर उन, क्योंकि उनको इनवर्ड ब्लीडिंग आती है वो उन्हें मार देंगे उसे मार देंगे और तुम्हें चाहिए ना तो मैं ऐसा करता हूं कि मैं उन्हें कह दूंगा कि इसकी लाश भी ठिकाने लगा देना तो वो लाश भी ठिकाने लगा देंगे क्या बोलते हो ठीक है तो वो उसे मार के लाश भी ठिकाने लगा देंगे सदाओ बेचारा सोच रहा था डॉक्टर था सदाओ अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ था सात दिन पहले सात दिन पहले उसने उस बंदे का इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था उसके सामने एक इंसान ऑफर कर रहा है उसी बंदे को मारने का पर करे तो करे क्या उसे हाना का सोचना पड़ा अपने बच्चों का सोचना पड़ा तो उसने कहा ठीक है करते है। मार दीजिए उस इंसान को लगा दीजिए उसकी इलाज ठिकाने तो अब इतने में फाइनली वो वहां पे उसकी सुपारी देकर और निकल गया वो हाना को कुछ नहीं बताना चाहता था क्योंकि ऑफ कोर्स हाना इस चीज में घबरा जाएगी तो वो घर पर वैसे ही आया जैसे कि वो नॉर्मली आता है ठीक है तो नॉर्मली जैसे आता है वैसे ही घर पर एंटर कर गया ठीक है अब जैसे ही वो घर पे एंटर करता है वो सीधा चला जाता है पीओडब्ल्यू के रूम में ठीक है प्रिजनर ऑफ वॉर के रूम में वो देखता है कि ये जो प्रिजनर ऑफ वॉर है ये अपने पाओं पर खड़ा हुआ है एंड इन फैक्ट गार्डन के अंदर जा रहा है इतने में वो कहता है अरे रुको तुम्हें किसने दी परमिशन किसने तुम्हें परमिशन दी इस तरीके से चलकर गार्डन में जाने की तो अब क्यूँकी आप, आपको तो पता ही है कि प्रिजनर ऑफ वॉर को आ, काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिल चुकी है काफी ताकतवर वो हो चुका है तो वो कहता है भाई मेरे को मेरे को परमिशनों की ना आदत नहीं है समझ में आई तो वो उसके अंदर से वो निकल कर आ रहा होता है यू नो you know, एनर्जी और विगर कहता है यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो अब मैं एकदम ठीक फील कर रहा हूँ बस ये थोड़ा मसल यहाँ से स्टिफ है अब सदाव अभी अभी सुपारी देकर आया है इस इंसान की पर सदाव भूल जाता है वो चीज़ कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देता है और सदाव का फोकस इस बात पे हो जाता है कि ये इंसान की मसल स्टिफ क्यों है क्योंकि मैं तो इस इंसान को इसके लिए दवाई दे चुका हूँ तो इसकी मसल इतनी स्टिफ क्यों हो रही है ठीक है तो वो कहते दिखाओ

I know that. देखो एक बात तो कहनी पड़ेगी अगर आपके जैसे जैपनीज से मैं नहीं मिलता ना तो मैं शायद आज तक जिंदा नहीं होता और ये बात मेरे को अंदर ही अंदर अच्छे से पता है सदाओ कुछ भी नहीं बोल पाया ओके ठीक है okay. तो सदाओ ने वहां पे बाव किया एंड श्योर आई नो दैट इसके बाद में उसने बोला इफ आई गेस इफ ऑल अ वॉर मतलब ये इंसान एक जापानीज के घर में खड़े होकर उसी को बता रहा है कि क्योंकि बाकी जापानीज तुम्हारे जैसे नहीं है इस वजह से वॉर हो रही है अब सदाओ यहां पर इसके साथ में कुछ डिस्कशन नहीं करना चाहता है इसे कुछ नहीं बोलना चाहता है तो सदा कहता है हाँ शायद बिल्कुल बिल्कुल अच्छा अभी कोई बात नहीं तुम जाओ अभी वापस से बेड पर जाओ अभी बाहर निकलने का समय नहीं है तो उसे बेड पर लिटा देता है बाव करता है और कहता है गुड नाइट ठीक है अब यहाँ पर सदाव को बिल्कुल भी अच्छे से नींद नहीं आ रही होती है सदाव को ऐसा लग रहा होता है जैसे कि जरूर वो असास आए हैं और असास ने आकर टॉम को मार दिया है और उसकी लाश को घसीट कर लेकर जा रहे हैं किस्मत से जब आप ऐसी चीजें सोच भी रहे होते हो तो ऐसी ऐसी आवाजें आ भी रही होती हैं तो सदाओ के साथ ऐसा ही हो रहा था उसे ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कि कोई कुछ घसीट के ले जा रहा है जैसे की कोई टहनी टूटी है जैसे कि लोगों के घास में चलने की आवाज आ रही हो अब उसे लगता है कि आज तो जरूर टॉम यहाँ से जा चुका होगा तो जब वो सुबह उठता है तो बहाना बनाकर सबसे पहले टॉम के रूम में जाता है और देखता है कि वो तो वहां घोड़े बेच के सो रहा है एक रात निकल गई है अब दूसरी रात भी वो बड़ा ही वियर्ड तरीके से एक्ट करता है वो नहीं चाहता है कि कि उसके घर के मेंबर्स बाहर क्योंकि प्राइवेट का क्या भरोसा? क्या भरोसा? पता कि उसकी फैमिली में से किसी को कोई हार्म हो जाए तो वो हाना को लेकर भी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे बाहर नहीं जाने देता अब इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हाना बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील करती है सदाव को लेकर बट दूसरा दिन भी निकल जाता है दूसरे दिन भी कुछ नहीं होता तीसरे दिन भी कुछ नहीं होता अब सदाव को टेंशन हो चुकी है सदाव तीन दिन से प्रॉपर तरीके से नहीं सोया और अब वो और ज्यादा ऐसे नहीं सोने वाला है वो और ऐसी रातें नहीं निकालने वाला है जहां पर उसको अच्छे से नींद नहीं आ पा रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि यार कोई तो आया है और कोई आकर यू नो उसे आ, आ, उस इंसान को घसीट कर लेकर जा रहा है अब जब उसको ये चीज रियलाइज हो गई है तो उसने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा ठीक है अब क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ एक मिनट यस हम्म वो उससे पूछता है कहता है कि क्या हुआ आज तबीयत कैसी लग रही है तो टॉम रिप्लाई करता है कहता है आई एम वेल मेरे को आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है अब जैसे वो ये कहता है तो सदाओ एकदम से अपना किमोनो थोड़ा सा साइड में ऐसे बीच में होल्ड कर लेता है और कहता है कहता है कि हाँ तुम ठीक हो तुम इतनी ठीक हो कि मुझे लगता है कि अगर मैं मेरी बोट को आज किनारे पर रख दू उसमें कुछ खाना डाल दू कुछ कपड़े डाल दू तो तुम आराम से पास में उस आइलैंड पे जा सकते हो वो आइलैंड खाली है वहां पर कोई नहीं जाता क्योंकि तूफान के टाइम पर वो आइलैंड पूरी तरीके से डूब जाता है चिंता मत करो अभी तूफान का टाइम नहीं है वहाँ सिक्योरिटी नहीं है तुम वहाँ पर जा सकते हो और क्योंकि वहाँ पर समुद्र बहुत गहरा है तो जितने भी बोट्स होते हैं शिप्स होते हैं वो साइड से निकलते हैं तो वो लोग भी उस उस आइलैंड के पास से निकलेंगे कोरियन फिशिंग बोट जो है वो आइलैंड के पास से निकलेंगी तो तुम्हें क्या करना है तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट का इंतजार करना है और उन्हीं से मदद लेनी है और वहां से चले जाना है ऐसा उसने प्लान बनाया वो इंसान बेचारा उसको घूर रहा था और कह रहा था करना पड़ेगा क्या दादा ने कहा हाँ अब ये चीज छुपी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारे लिए और मेरे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ टॉम कहता है ठीक है भाई सदा उसको इवनिंग तक फिर वापस नहीं देखता जैसे ही अंधेरा होने लग जाता है वो अपनी बोट को लेकर आता है उसके अंदर खाना पानी सब कुछ रख लेता है जो कि वो कोर्स सीक्रेटली दिन में जाकर लेकर आया था वो कुछ ओढ़ने के लिए कंबल भी वहां पर रख लेता है ठीक है अब इसके बाद में वो फाइनली मतलब सोचो बिना फ्लैश लाइट के बिना मून लाइट के काम कर रहा होता है अब इतने में वो घर पे आता है और घर पर आकर एकदम ऐसे एक्ट करता है जैसे काम से लौट रहा है हाना उसे रिप्लाई करती है कहती है और ये आज तो युमी आई थी और बेबी से बात कर रही थी बेबी के लिए पूछ रही थी ये हो रहा था वो हो रहा था तो सदाओ कहता है तू चिंता मत कर जैसे ही इस इंसान से मुझे छुटकारा मिलेगा सर्वेंट्स वापस आ जाएंगे ठीक है अब इसके बाद में वो फटाफट से चला जाता है टॉम के रूम में वो जाता है और जाकर उस इंसान को एक बार फिर से चेक करता है देखो कितना सोच रहा है वो चेक करता है अमेरिकन के टेम्परेचर को तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है पर उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होती है उसकी पल्स बहुत भाग रही होती है वो इसीलिए होगी क्योंकि ऑफकोर्स एक्साइटमेंट होता है उसको वहां से निकलने का क्या करूंगा कैसे करूंगा एंड ऑल दैट अभी तक भी उसके जो स्कार्स है वो रेड होते हैं तो वो ये सारी चीजों को इग्नोर कर देता है एज अ डॉक्टर अभी उसके पास इतना समय नहीं है कि उसको पूरा ट्रीट किया जा सके फाइनली टॉम्स की बात होती है तो टॉम कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरी जिंदगी फिर से बचा रहे हो सदाओ यहाँ पर फिर सख्त हो जाता है और कहता है नहीं नहीं मैं अपनी जिंदगी बचा रहा हूँ तुम्हें तो यहाँ पर रखना अब हद से ज्यादा इनकनवीनियंट हो गया है तुम्हें यहाँ रखना बहुत ही इनकनवीनियंट है मैं तुम्हें अब यहाँ और टाइम नहीं रख सकता वो उसे अपनी फ्लैश भी देता है और उसे समझाता है कि भाई अगर यहाँ पर ठीक है एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी फ्लैशलाइट होती है जिसकी अपनी फ्लैशलाइट होती है वो दे देता है मतलब ठीक है अब कोई बात नहीं जान छूटी तो अच्छा है तो वो कहता है कि अगर मान लो खाना जो है वो खत्म हो जाता है जिससे पहले कि तुम्हें बोट मिले तो दो फ्लैशेस मार देना ठीक है और अगर ऐसा है कि तुम वहां पर अभी भी अटके हो तो एक फ्लैश मार देना याद रखना कि फ्लैशेस तुम्हें तभी करने हैं जब यू नो आ, ना तो बहुत ज्यादा रोशनी हो और ना ही बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं तो बाकी लोग भी देख लेंगे वो इंसान कहता है ओके और वहां से चला जाता है वो दोनों कोर्स वहां पे हैंडशेक करते हैं और वो वहां से निकल जाता है सदाओ को वो फ्लैश लाइट देखने को मिलती है एक दो बार वो देखता है कि थोड़े बहुत फ्लैशेस हैं शोर के पास वो ज़रूर इसके लिए होंगे क्योंकि उस इंसान को बोट ढूंढने में मदद चाहिए होगी बट देन उसके बाद में उसे कोई भी मदद की ज़रूरत नहीं होती है और वो उसको फ्लैशेस नहीं दिखते हैं उस दिन वो पार्टीशन को बंद करता है और चैन की नींद सो जाता है अब इसके बाद में किस्मत की बात यह है कि एक टाइम ऐसा आता है जब जनरल को ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ऑपरेशन करने के बाद में जनरल की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है गॉल ब्लैडर काफी ज्यादा इन्वॉल्व होता है तो जैसे ही थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा होता है जनरल तो सदा उसे बताता है कहता है कि वो इंसान तो भाग गया आपने कहा था कि आप असास भेजेंगे पर वो इंसान तो भाग चुका है तो वो सारी की सारी चीज़ें जनरल के माथे मंड देता है अब इतने में जनरल उसे बताता है जनरल उससे बात करता है और जनरल कहता है कहता है कि देखो वो भाग चुका है और ऑफ uh, कोर्स मैं तो आपको क्या कहता आपके असैस का वेट कर रहा था पर आपके असैस आए ही नहीं तो इतने में वो बेचारा बहुत ही ज्यादा जनरल बहुत ही ज्यादा डूब जाता है इस गम के अंदर कि यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया तो वो कहता है कि देखो यार तुम्हारे सामने की बात है कि मैं बहुत ज्यादा यू नो सफर कर रहा था और मैं इतना ज्यादा सफर कर रहा था कि शायद मैं अपनी सफरिंग के अंदर ये भूल गया हूँ कि मुझे असासन भी भेजने थे बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देश को लेकर गद्दार हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे पेट्रियाटिज़म पे शक मत करना तुम सदा उसको थोड़ा सा यू नो ऐसे करता कहते नहीं नहीं सवाल ही नहीं उठता आपके पेट्रियाटिज़म की तो कस्में खा सकते हैं हम बोला अच्छा अगर ये मैटर बाहर आता है तो तुम मेरे साथ खड़े रहोगे ना सदा सदाओ ने कहा अरे हंड्रेड परसेंट आप ही के साथ खड़ा रहूंगा मैं मैं तो आपकी लॉयल्टी की कस्में खा सकता हूँ तो इतने में कहीं ना कहीं और आपकी जो झील है एनिमी को लेकर मैं तो उसकी कस्में खा सकता हूँ जनरल ने कहा भाई तू एक बहुत अच्छा इंसान है तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा देखो यार सदाओ को ऑलरेडी रिवॉर्ड मिल चुका था ऐसा इसके लिए था क्योंकि जब से वो प्रिजनर वहाँ से गया था सर्वेंट्स वापस आ गए थे सर्वेंट्स ने पूरा घर अच्छे से साफ कर दिया था इनफैक्ट सल्फर जलाकर उस इंसान की स्मेल भी वहां से हटा दी थी तो पूरी तरीके से वो लोग अब सेफ थे उनका हाउस होल्ड अब बैक टू नॉर्मल हो चुका था और कमाल की बात यह है कि उसे अभी तक बिल्कुल भी फ्लैशेस देखने को नहीं मिले थे जिसका मतलब ये है कि वो इंसान जरूर वहां से भाग गया होगा क्योंकि यहाँ पे और सेफ होगा course, अंदर लग रहा था कि क्योंकि पर सदाओ ने कहा है कि जरूर वो सेफ ही होगा क्योंकि course, इसके अलावा मैंने उसे आ, आ, बाकी चीजों के लिए वॉन्ट किया था अब वो फिर से वहीं पे उसी जगह पे वारंडा में खड़ा हुआ है और वो देख रहा है सी को घूर रहा है और वो देख रहा है किस तरीके से वो इंसान वहाँ से निकल कर आया था एक रात को और वो इंसान ने तबाही मचा दी थी उनके जीवन के अंदर एकदम से उस इंसान के रूप में टॉम के रूप में उसे प्रोफेसर याद आ जाते हैं जिनके घर पर वो खाना से मिले थे उन्हें उनकी बीवी याद आ जाती है उन्हें उनके ओल्ड टीचर ऑफ़ एनाटमी याद आ जाते हैं उन्हें वो लैंड लेडी याद आ जाती है वो सारे के सारे अमेरिकन उन्हें याद आ जाते हैं जिन अमेरिकन ने दिनों उन लोगों के साथ में अच्छा नहीं किया उन्हें वो डिफिकल्टी याद आ जाती है वो परेशानियां याद आ जाती है जो उन्होंने एज अ जापनीज फेस की थी अमेरिका के अंदर तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि यार ये अमेरिकन तो लायक इसी चीज के हैं कि इनको मार देना चाहिए था और वहीं पर वो सोचता है ये इतने गुस्से भरे इमोशन के साथ में सोचता है आई वंडर वाई कुड नॉट किल हिम इतना सब कुछ अमेरिका ने मेरे साथ किया है इतना सब कुछ मैंने फेस किया है इन अमेरिकन की वजह से समझ नहीं आ रहा उसे मार क्यों नहीं पाया मैं मार देता बट सदाव के अंदर का डॉक्टर और उसके अंदर का ह्यूमन बींग शायद उसे कभी भी वो करने नहीं देता और इसीलिए सदाओ ने उस इंसान की जान बचा दी एक दुविधा के अंदर वो था पर इस दुविधा में इंसानियत की जीत हुई उसने इंसानियत को ऊपर रखा अपने डॉक्टर होने को ऊपर रखा हालाँकि उसके अंदर ही अंदर वो बहुत बार इस दुविधा में था क्योंकि सामने एक दुश्मन खड़ा था पर फिर भी उसने चुनाव किया इंसानियत और अपने अपने प्रोफेशन का इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है ये था वन शॉट आपके चैप आपके चैप्टर द एनिमी का आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा अच्छे से इसकी स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी सो so, ऐसे ही और भी चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ लाइव ये सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं संकल्प इंग्लिश में जहाँ पर मैं आपको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करा रही हूँ इन एडिशन टू दैट आपको मॉक पेपर्स मिल रहे हैं मॉक पेपर्स के साथ साथ में आपको बहुत सारे डाउट सेशंस uh, भी मिलने वाले हैं मेगा क्विज़ेस मिलने वाले हैं ई e बुक्स मिलने वाले हैं सो so, बहुत कुछ है यहाँ पर सो मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस बैच इस बैच का आप हिस्सा बने सिंपली क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यूज़ माई कोड एच डी सी एटीन हमारी एस डी सी आर्मी का कोड है एंड यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट सो जॉइन द बैच नाउ एंड एल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय टेक केयर आई लव यू गाईज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब